अस्सलाम वालेकुम जी कैस भाई, कैसे हैं आप? कैस भाई, आज की अपडेट देनी थी। आज आपको पता है 16 तारीख थी, डेट थी, आज कोर्ट की हियरिंग हुई। ऑफिशियली आज इमरान नासिर साहब का वकालतनामा पेश हुआ। सेकेंडली इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हुई कि पुलिस ने आज जो सी क्लास का चालान तो बनाकर पेश किया था, जज साहब ने आज फिलहाल उसे अप्रूव नहीं किया और उसके लिए एक फर्दर डेट दी है 20 तारीख हियरिंग के लिए, उसके ऊपर आर्गुमेंट्स करने के लिए। जिब्रान आसिफ साहब जो है उस हियरिंग में खुद मौजूद होंगे। सेकेंडली एक तासर दिया जा रहा है कि जी केस ख़त्म हो गया और सी क्लास कर दिया गया। सी क्लास अभी फ़िलहाल अप्रूव नहीं हुआ, वो पुलिस की रिपोर्ट थी, जज साहब ने फ़िलहाल उसे अप्रूव नहीं किया और एक नेक्स्ट हियरिंग की डेट दी है उसको। उसके ऊपर दलाइल सुनने के बाद वो अपना फ़ैसला सुनाएंगे। तो ये तासर गलत है कि केस ख़त्म हो गया, मैंने सोचा कि मैं आपको अपडेट कर दूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं क्यास अली मीर और आप देख रहे हैं अल्लाहू टीवी। मोहतरम मेहदी अली काज़मी भाई की बात सुन ली उनका, क्योंकि मुझे मैसेज आते हैं बार बार, लोग मेरे से अपडेट पूछते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ, और मैं इंतज़ार करता हूं मेहदी भाई के रिस्पांस का कि उनकी तरफ से मुझे क्या जवाब आना है, क्योंकि वो जो बात बताएँगे, वो जो कहेंगे, वो 100% दुरुस्त होगी। सुबह मैंने भी लोगों के जो है वो वीडियोज़ देखे हैं, उसके अंदर उन्होंने बड़ी मायूसी फैलाने की कोशिश की है कि जी पुलिस ने जो है वो इस तरह बयान जो है वो जमा करा दिया है और अब ये सी ग्रेड बन गया और फलां हो गया, ये तो अब कुछ भी नहीं होगा, मामला ही ख़त्म हो गया, केस हाथ से निकल गया, फलां हो गया। सुनता रहा क्योंकि मैं इंतज़ार कर रहा था मेहदी अली काज़मी भाई का कि वो आके क्या अपडेट मुझे देते हैं। तो आज 16 तारीख थी और अदालत में उन्होंने ये जो है रिपोर्ट जमा करवाई और इसके लिए 20 तारीख तक का टाइम दे दिया गया, जब जिस दिन मौजूद जज जो हैं इस की हियरिंग करेंगे और फैसला देंगे कि अब लाए अमल क्या होगा। उसके बाद 20 तारीख को जिब्रान नासिर साहब भी वहां पे मौजूद होंगे और मज़ीद जो इसके अंदर पेचीदगियाँ हैं केस की या जो भी हैं, जारी सी बात है, बहुत बड़ा एक नाम है और को किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है, वो ज़रूर उन चीज़ों को उजागर करने की कोशिश करेंगे जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान की आवाम के दिमाग में है। पुलिस ने जो आज रिपोर्ट पेश की तो इसके लिए इतना कोई मतलब डिसहार्ड होने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि डिसहार्ड वो हो कि पहले पुलिस ने जो है वो बहुत अच्छी आप लोगों को कारकर्दगी दिखाई और आखिर में आके उन्होंने ये चीज़ कर दी हो। पूरी दुनिया ने देखा कि नादरा के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद उस बच्ची का मेडिकल कराया गया, मेडिकल को जाली जो है वो भी साबित कर दिया गया, ये भी पूरी दुनिया ने देखा। निकाह खान ने कहा जी निकाह मैंने नहीं पढ़ाया, वो भी पूरी दुनिया ने देखा। लाहौर यूनियन काउंसिल ने भी इस चीज़ की तस्दीक कर दी कि निकाह जो है वो जाली है, ये निकाह नहीं हुआ। जितने उलमाए कराम थे तमाम फिका के, उन्होंने भी बता दिया कि ये निकाह जो है वो नाजायज़ है। इंटरव्यू दुआ ज़रा का सामने आया, पूरी दुनिया ने देख लिया कि उसके अंदर, अब वो लफ्ज़ मुझे यहाँ नहीं बोलना चाहिए लेकिन हरकतें वो इस तरह की करते हैं कि वो लफ्ज़ उसके अलावा कोई सूट ही नहीं करता, कि उन्होंने क्या से क्या चवल मारी है उस इंटरव्यू के अंदर, कि अपना मजाक उन्होंने पूरी दुनिया में उड़वाया है। बच्चे बच्चे को ये पता चल गया है कि ये ज़्यादती हो गई। यहाँ पे थोड़े से फॉल्ट हैं, वो ये फॉल्ट हैं कि कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि दुआ ज़ारा कहती है कि मैं रक्शे पे बैठी और उसके बाद जो है वो कराची एयरपोर्ट गई, कराची एयरपोर्ट जाने के बाद उसने टैक्सी करवाई और टैक्सी वाला उनको लेके लाहौर चला गया। तो ये तमाम सवालात कोर्ट में उठाए जाने चाहिए थे, क्यों नहीं उठाए गए मैं नहीं जानता। उसके बाद नादरा के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं पहले दिन से बार बार कही जा रहा हूँ मेहदी अली काज़मी भाई को कि आप लेटर इशू करवाएं नादरा से और वो इस चीज़ में उसकी तस्दीक करें कि भाई हमने हुकूमत के डॉक्यूमेंट्स हैं जो बना के दिए हैं, वो जाली नहीं हो सकते, इसकी हम तस्दीक करते हैं। उसके ऊपर भी गौर नहीं किया गया और ये तमाम उनकी जो टीम थी उनका ये फ़र्ज़ बनता था कि इस केस को जो जो उसके अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स थे वो लाजमी उजागर करने चाहिए थे। फिर उसके बाद मेडिकल का शोर हुआ, यहाँ पे जो वकला थे उनको सबसे पहले तो ये वहाँ पे अदालत में जो है वो साबित करना चाहिए था कि आप पहले नादरा के डॉक्यूमेंट्स
प्रूव होने दें कि ये जाली है, फिर उसके बाद इसका मेडिकल कराएं। अदालत को उससे भी नहीं रोका गया, जज साहब के सामने वो भी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो पूरी नहीं की गई, क्योंकि हमारे कानून के मुताबिक अगर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं हैं तब जाके मेडिकल होता है, और उसके बाद जो है वो रिपोर्ट आती है उसके ऊपर अमल दरामद किया जाता है जब डॉक्यूमेंट्स के ऊपर शको शुबात होते हैं। ये हमारा लॉ है। यहाँ पे भी इस चीज़ को जो है वो लूज कर दिया गया, नहीं देखा गया। उसके बाद जब लाहौर हाई कोर्ट ने, जब इससे ये लाहौर हाई कोर्ट जो है वो बरी जिम्मा हुई कि भाई हमारा कोई मसला नहीं है, ये ट्रायल कोर्ट में होना है, जो कुछ होना है, इस फैसले को आए हुए भी 7 दिन हो गए। उसी दिन या उसके अगले दिन आप यहाँ से ऑर्डर्स लेते, ट्रायल कोर्ट से ऑर्डर लेते और लाहौर पहुँचते, वहाँ ज़ारा को वापस जो आप कराची लेकर आते कि बैठ जाओ आप, आगे देखते हैं यार ट्रायल कोर्ट में क्या होना क्या नहीं होना, उसका भी कुछ अता पता नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कि सारा कुछ ही अब क्योंकि 22 करोड़ पाकिस्तान के अवाम ये देख रहे हैं और उनको पता है ये क्या हो रहा है और किस तरह हो रहा है, किस तरह नाइंसाफ़ी है, ये सबको पता है। तो मैं तो कहूँगा भाई आप सबको माफ़ी मांगनी चाहिए, सबसे पहले उन तमाम मुलजमान को से आप सबको माफ़ी मांगनी चाहिए जिन बेचारों को इतनी तकलीफ दी। निकाह खां जो थे वो इंतहाई शरीफ इंसान थे बेचारे, उनका तो कोई अमल दखल ही नहीं था, जिस तरह की आज जो उन्होंने रिपोर्ट जमा करवाई है। उसके बाद जो सबसे पहला शख्स इन्होंने गिरफ्तार किया उससे भी अवाम को कौम को माफ़ी मांगनी चाहिए। देखें ना जी, तंग किया बेचारों को, शरीफ लोग बेचारे अपने लगे हुए रोज़गार में। बाकी जो 11 मुलजमान थे उससे भी कौम को माफ़ी मांगनी चाहिए, शरीफ लोगों को ऐसी आप लोगों ने तंग किया। वो माई भी झूठी है जिसके नाम पे 8 सिमें निकली हुई हैं, सारे झूठे हैं भाई, सब झूठे हैं, जो घरों में बैठ के रो रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, और पूरा आपको केस नज़र आ रहा है, बच्चे बच्चे को समझ आ गया कि ये क्या हो रहा है। लेकिन मेहदी अली काजमी भाई को बताया जा रहा है कि ये गलत कर रहे हैं, इनकी सोच गलत है, साबित तो यही हो रहा है ना। आप इंटरव्यू जो देख रहे हैं, दुआ ज़ारा कहती जी मुझे मारते थे, बताने की ये कोशिश की जा रही है कि जो 14 साल की बच्ची है तो वो तो रेडी है, मसला ही कोई नहीं है। ये तमाम वो माइंडसेट है, अल्लाह ने जान छुड़वाई थी मेरा जिस्म मेरी मर्जी से, अब ये नया शोशा जो है आपके सामने आने वाला है। लेकिन अवाम इंशाल्लाह इसको भी जुटलाएगी, क्योंकि सो कॉल्ड आप तो कहते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, लेकिन कुछ लोग हैं जिनका ईमान अभी ताज़ा है पाकिस्तान में, वो समझते हैं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का क्या मतलब है और इस्लाम क्या होता है, उनको तो पता है ना, वो तो कभी भी ये आपको नहीं करने देंगे, क्योंकि जैसे उनका आंटियों का बेड़ा गर्क किया था मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाली, तो इनका भी बेड़ा गर्क होगा। अवाम मुंतज़र हैं मेहदी अली काजमी भाई, क्योंकि वो अपने दिल की तसल्ली कर लें, वो अपने दिल की तसल्ली कर लें कि मैं अदालत से मुझे इंसाफ मिल जाए, और हमारी दुआ है कि आप सुप्रीम कोर्ट में ये केस जा रहा है और इनके साथ इंसाफ हो, हर माँ की, हर बेटी की, हर बहू बहन भाई सब की दुआएं इनके साथ इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला इनको कामयाब भी करेगा। और अल्लाह ना करे कि जो चीज़ें आप लोगों के सामने आ रही हैं 2 महीने से, जो एक तमाशा, ये तमाशा लगा हुआ है, बहुत सी चीज़ें जो छुपी हुई थी आप लोगों के सामने आ रही हैं। हमारी तो पहले दुआ है कि सुप्रीम कोर्ट इंशाल्लाह इस मसले को हल करेगी और जो आने वाला एक दौर है बच्चियों का वो महफूज होगा। तो मेहदी भाई ज़रूर आप कोशिश करें जी, हम सब आपके साथ खड़े हैं और तब तक खड़े रहेंगे इंशाल्लाह, जब तक हमारे जिस्म में एक खून का कतरा भी है ना, तब भी हम आपके साथ खड़े रहेंगे। सबसे पहले ये इसलिए इम्पोर्टेंट था कि सैयद घराने की बच्ची थी, और दूसरा वैसे भी इसके लिए इतना इम्पोर्टेंट था कि ये 30 साल से एक मकरूह धंधा जो है वो चल रहा था और इसकी कोई भी पूछगछ नहीं थी, बना बनाया एक जो है वो पूरा प्रोसीजर इन लोगों का तैयार होता है, 12 से 24 घंटे के अंदर निकाह, उसके बाद हरासा का पर्चा, उसके बाद जाओ और अदालतों के चक्कर लगाओ और बैठ जाओ। तो अवाम आपके साथ है, ये तो आपको पता है, आपके साथ मेहदी भाई कोई एक बंदा, 2 बंदे, 3 बंदे, 6 बंदे, 7 बंदे नहीं खड़े, आपके साथ 22 करोड़ लोग खड़े हुए हैं और मुंतज़र हैं कि आपको इंसाफ मिलेगा। आपने सिर्फ़ एक कॉल की, कराची में आपने देख लिया, सब इंतज़ार में बैठे हुए हैं,
क्योंकि एक हमारी अदालत का फैसला है, फिर एक अवाम का फैसला होता है, फिर अल्लाह का एक फैसला होता है। फैसले तो अभी बहुत हैं, ऑप्शंस तो अभी बहुत हैं, वो कोई मसला नहीं, लेकिन एक दफ़ा आप दिल की तसल्ली कर लें, इसलिए कि आप ये ना कहें कि कैस भाई यार अगर हम ये कर लेते तो यार ये ना बड़े अच्छे तरीके से इज़्ज़त आबरू से और ये सारा कुछ ना बच्ची हमारे घर आ जाती। आप इसकी भी अपनी जो है वो तसल्ली कर लें। हमारी दुआएँ आपके साथ हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।